तो बिल्कुल इसी तरह करना, सारी स्क्रिप्ट इसकी जो लिख लो, जैसे टैक्सी में बैठोगी पहली बार तुम रात को तो ट्रैवल करोगी नहीं। बिल्कुल। और बहुत टाइम हो गया लोगों की वीडियोस भी नहीं आ रही। और सॉन्ग्स भी नहीं आ रहे, और जो वीडियोस आप भेजते हो तो वो हमें मिलते नहीं है सॉन्ग्स। और लिंक प्लीज भेजा करो वीडियो के साथ। और जो भेजते हो आप लोग वो तो भाई 30 मिनट की वीडियो, 20 मिनट की, इतनी हम कैसे बैठ के देखेंगे? वो तो अलग ही बैठ के देख सकते हैं लेकिन रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। 30 मिनट की बहुत ज्यादा हो जाती है। कोशिश किया करो कि 5 मिनट या 8 मिनट या 10 मिनट की हो मैक्सिमम। आशीष चंचलानी की वीडियो आई है, सुना है, सीरियस वीडियो है। तो सुना है इसमें कोई इन्होंने स्टोरी बताई, कुछ तो बताया था, कोई स्किट परफॉर्म किया उन्होंने, वो तो देखेंगे तो फिर ही पता चलेगा। तो वीडियो का नाम है डीलर, तो रिएक्ट करने वाले डीलर बाय आशीष चंचलानी। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, लेकिन वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। अरे कैंसिल ही करना होता तो बुकिंग क्यों लेते हो तुम लोग, मरा जाके। थर्ड क्लास कैब सर्विस। भैया लोखंड वाला चलोगे? जाएंगे मैडम, जिधर बोलोगे उधर जाएंगे। आओ बैठो। अरे मैडम पीछे का दरवाजा लॉक है, काम करो आप आगे आ जाओ, आगे बैठो, कंफर्टेबल है। बैठेंगे आगे। ऐसा ही करना चाहिए तुम्हें। अबे बढ़िया है, चलो। क्या मैडम बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ है क्या? पर्सनल क्वेश्चन। चलो अच्छा है, और अगर बॉयफ्रेंड नहीं है तो और भी अच्छा है, रास्ता खाली है। मतलब आज रास्ता खाली है, वैसे क्या ट्रैफिक होता है ना मैडम। अब ट्रैफिक हो या नहीं हो मैडम, मैं तो घुस जाता हूँ हर जगह। मैडम मुंबई में ना गर्मी बहुत बढ़ गई है, ऊपर से आप आके गाड़ी में बैठ गई, और ऊपर से गाड़ी भी नॉन एसी। वैसे एसी भी क्या उखाड़ लेता मैडम। देख के चला ना। देख के तो चला रहा हूँ मैडम। आगे देख यार, वही ना, चला कैसे रहा है तू गाड़ी? लेकिन ये भी एक रोड खाली है बिल्कुल। खड़ा है, खड़ा है, खड़ा है घर पे तेरे आशिक खड़ा है। चुप चूतिया, कुछ बोल नहीं रही हूँ तो मुझसे हफ्ता रहेगा। और क्या लिखा है तूने चैट पे, हैं? क्या लिखा है कि मैं जाके माल दूंगी? तुम भड़वों को मैं पाल रही हूं और तू मुझे बताएगा धंधा कैसे चलाते हैं, हैं? अभी पब्लिक एक पूरी के लिए अंदर जा रही है, तू चाहता है मैं व्हाइट पाउडर 1 kg लेके घूमूं अखा बॉम्बे में? किधर घुसा के रखा है तूने अक्कल अपना? कहां पहुंचे, कहां पहुंचे? ए चमन चूतिये, तुझसे पूछ रही हूं कहां पहुंचे, बताएगा? मैडम हां मुरली के एरिया में हूं मैं, रुक गिनने दे मुझे। ए गांडू तेरी औकात नहीं गिन रही हूं जो 2 सेकंड में खत्म हो जाए।
टोटल 3 पेटी है मेरे पास, मिलके देती हूँ, जाके उस विक्की को दे देना। वो चूजा हाँ मुझे पैसे नहीं देगा, उसकी गोटी दबाऊंगी ना, उसका बाप भी इधर पैसा हक के जाएगा, समझा? अच्छा वो अपने नए माल का सैंपल आया, मतलब ये माल भी मैं ही जाके पहुंचाऊं? बहन रुक एक मिनट, पूरा लोड करके रखा है बैग में, अभी कोई पटाखा बजाएगा ना सबको उड़ा के आऊंगी मैं। अभी मैं कैसे फंसूंगी रे, ना मैं उतरने वाली हूँ ना अपनी गाड़ी में आई हूँ, मैं कैसे फंसूंगी? मुन्ना ऐसे गलती मत कर, एक काम कर तू लगा फोन, लगा लगा बिंदास लगा, जिसको भी लगाएगा ना सब अपनी जेब में ही है, लगा। और वैसे भी जो भी अपने बीच आया है ना, मारा है मारा है मरा। हाँ बोल। अरे कुछ नहीं, कोई दर्जी है क्या अपने पास, किसी की फट गई है इधर? अच्छा सुन, उसको बोल सैंपल पिज्जा बॉक्स में पैक करके लाए, ठीक है? और हाँ उसको बोल देना कोई वो जो ये पिज्जा डिलीवरी बॉय का यूनिफॉर्म वगैरह होता है ना वो सब डाल के आए, वो क्या है ना सेक्शन गर्म चल रहा है ना आजकल, अपने पे शक नहीं पड़ना चाहिए। और हाँ एक कोल्ड ड्रिंक भी भेजना ज़रा। नहीं वो क्या अपने ड्राइवर को ना बहुत गर्मी लगती है। हाँ मैं बैठी हूँ ना गाड़ी में, अब एसी भी क्या उखाड़ लेगा। क्यों ए जम्मू इधर साइड में चौक पे लगा, दबा के लगाना अंदर ठीक से, इधर पुलिस बहुत आती है। हाँ वो डिलीवरी वाले छोकरे का नंबर भेज और उसको बोलना खाचे नंबर से मैं कॉल कर रही हूँ उसको। हाँ मैं बरखा बोल रही हूँ, मैं बाहर टैक्सी में बैठी हूँ। और हाँ यूनिफॉर्म वगैरह पहना है ना ठीक से? हाँ अच्छा एकदम ऐसा डिलीवरी बॉय लगना चाहिए, और आगे पीछे देख बाजू में पुलिस तो नहीं आ रही है। और हाँ थैंक यू वैंक यू बोलना अच्छे से, आ जल्दी। थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे। चल किसके लिए रुका है, मंगवाऊं तेरे लिए भी पिज्जा? हैव अ नाइस डे पांडे, क्या बात है, मॉडर्न गंजेड़ी पाल के रखे तूने। ए सुअर इंग्लिश बोलनी आती है? यस मैडम। क्या बात है, गाड़ी ठीक ठाक चलाता है। और पता है क्या बोल रहा था कि ट्रैफिक नो ट्रैफिक कहीं भी घुस जाता है और हम कहीं भी घुसा देते हैं। ए चोमू चप्पल ठीक कर रही थी गाड़ी जरा, तू क्या सोचा मैं भूत हूँ? हम क्या इधर आखिरी सफर खेल रहे हैं? गाड़ी चला। सॉरी मैडम सॉरी। अभी भी देखना नहीं छोड़ेगा। ए आगे देख। सॉरी सॉरी मैडम। क्या माहौल है, कस्टमर पागल हो जाएगी पागल। ए क्या बोल रहे हो तुम लोग, पहले ध्यान नहीं गया क्या? ए गाड़ी रोक, गाड़ी रोक इधर। ए तू तो गया। क्यों मैडम? अभी जब हम लोग गए थे ना उधर सीसीटीवी कैमरा था। चुप, तू ना 10-15 दिन के लिए यहाँ से कल्टी हो जा, गुम हो जा तू, ठीक है? यहाँ रहेगा ना तो पुलिस तेरे को पकड़ेगी, पुलिस के सामने मुंह खोलेगा तो मैं तेरे को खोलेगी, तो तू निकल जा यहाँ से, गाड़ी इधर छोड़ के जा। मैडम गाड़ी कैसे छोड़ के जाऊंगा, मैं लाचार आदमी। लाचार आदमी है ना तू, एक काम कर तू घर चल, आ चल मेरे घर चल ना, आता है या मैं। रुक रुक इधर फट्टू। हेलो, हाँ मैं माल लेके पहुंच गई हूँ, कहाँ आना है?
माल तो ठीक है, थोड़ा ठंडा हो गया, घर पे आवे ना क्या? अरे क्या चूतिया बनाया ना, जैसी साले ने लाइन क्रॉस की ना तो मैंने डिसाइड कर लिया। घर पे तेरे आशिक खड़ा है। चुप चूतिया, कुछ बोल नहीं रही हूँ तो मुझसे हकता रहेगा। और क्या लिखा है तूने चैट पे हैं? क्या लिखा है कि मैं जाके माल दूंगी? और फिर मैंने सोचा घर पहुंचने में टाइम है ना, तो थोड़ा खेल और खेला जाए। तेरी औकात नहीं गिन रही हूँ जो 2 सेकंड में खत्म हो जाए। हाँ टोटल 3 पेटी है मेरे पास। पूरा लोड करके रखा है बैग में, अभी कोई पटाखा बजाएगा ना सबको उड़ा के आऊंगी। और फिर मैंने ऐप से पिज्जा ऑर्डर किया। अच्छा सुन, उसको बोल सैंपल पिज्जा बॉक्स में पैक करके लाए, ठीक है? और फिर जब मैंने एक्चुअल में पिज्जा वाले को फोन किया, हाँ मैं बरखा बोल रही हूँ, मैं बाहर टैक्सी में बैठी हूँ। हाँ यूनिफॉर्म वगैरह डाला है ना बराबर? हाँ किसी को शक नहीं होना चाहिए, इधर उधर देख तू। थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे। और फिर बहस, सुन सुन सुन, मैंने क्रेडिट कार्ड निकाला। ए आगे देख। सॉरी सॉरी मैडम। क्या माल है, कस्टमर पागल हो जाएगी पागल। ऐसा मजा चखाया कि जिंदगी भर किसी लड़की को आंख उठा के नहीं देखेगा, अपनी बीवी को भी बहन बना के घूमेगा। यहाँ पर वुमेन सेफ्टी इतना बड़ा मजाक बन के रह गई है कि सो वी थॉट वी शुड डेफिनेटली मेक अ वीडियो टू शेड लाइट ऑन दिस इशू। एंड मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं कि इस वीडियो में मैंने जो दिखाया है, जो मैंने किया है, उसे रियल लाइफ में, आप इतने बेवकूफ तो हो नहीं, तो उसे रियल लाइफ में रिपीट ना करना। प्लीज रिस्पेक्ट एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। सही बात है ना? सही बात। आई वांट टू थैंक बरखा सिंह हु जॉइंड मी इन दिस वीडियो टू क्रिएट दिस एसीवी हटके वीडियो। बहुत मजा आया। तो एरेज बिल्कुल इसी तरह करना, सारी स्क्रिप्ट इसकी जो लिख लो। हाँ। जैसे टैक्सी में बैठोगी पहली बार तुम रात को तो ट्रैवल करोगी नहीं। हाँ, बिल्कुल। आजकल दौर ऐसा हो गया कि रात को लड़की क्या लड़के का घूमना भी बहुत मुश्किल हो गया। अबे हम खुद डरते हैं बाहर निकलने। हाँ, तो मैं कैसे जाऊंगी बाहर। ये बात है। अच्छा ये जो इन्होंने सारा मैसेज दिया है ना, ये मेरी मम्मा बोलती है, अगर बाहर निकलना है तो भाई सख्त बन के निकलो, वैसे ना निकलो। अगर कोई गर्ल डरी हुई लगती है ना किसी को भी नजर आती है, तो फिर वो अगला और तेज हो जाता है, तेज हो जाता है, तंग करने शुरू हो जाता है। तो भाई ये मैसेज बहुत जबरदस्त दिया है इन्होंने, आशीष चंचलानी ने। तो जैसे वो इनडायरेक्टली उस पे फ्लर्ट कर रहा था जैसे ही, हाँ। तो उसने भी इनडायरेक्टली गालियां देना शुरू कर दी। हाँ, वो तो डर गया भाई। उसकी तो बिल्कुल टाइट हो गई यार, हालत खराब हो गई भाई। और शुरू में तो हमें लग रहा था गाड़ी ठोक देगा, देख ही नहीं रहा था आगे, गाड़ी चला रहा रोड पे यार, आगे देख ही नहीं रहा था। तो पता है मुझे लग रहा था कि लड़की पागल बना रही है उसको, मुझे पहले से ही पता था। मुझे नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था सही में मतलब होगी ऐसी माफिया टाइप वगैरह। तो इसमें दोनों को सिखाया गया है, फीमेल को भी सिखाया गया है, मेल को भी सिखाया गया है किस तरह आपको डील करना है। और लड़कों के लिए खास तौर पे यार रिस्पेक्ट करो दूसरे जेंडर को यार, बिल्कुल, वो टॉय नहीं है, वो भी एक ह्यूमन है यार। हाँ, अगर मासूम हो तो फिर बाहर निकलना है तो सख्त बन के निकलो। डरोगे तो मरोगे। हाँ, डरोगे तो मरोगे, जैसे वो मर रहा था। सावधान सतर्क रहिए। आप देख रहे हैं क्राइम पेट्रोल। तो वीडियो बहुत अच्छी थी, हमें बहुत पसंद आई और मैसेज तो जबरदस्त था। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो।